जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में स्वागत है। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। वो विनोद जी अग्रवाल, मनीष अग्रवाल जी का आदरणीय सुरेश जी जी को दे दिया जाए। श्रीमद मोदी जी उनको उपभोक्ता और गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अशोक मोदी जी का सम्मान हो रहा है, उनका आशीर्वाद है। जय किसान गुप्ता। सभी लोग ध्यान देंगे, जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाए बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाए का। ऐसा महायज्ञ जो सनातन धर्म से एक एक चीज का ध्यान रखा गया है, गौ माता पूजा से शुरुआत किया गया, हवन कुंड के बाद माँ शेरावाली का पाठ, उसके बाद आचार्य जी का प्रवचन। हमारे साथ आयोजक जी है, उनसे पूछते हैं कि यह भव्य पूजा कब से शुरुआत हो रहा, आज प्रथम दिन क्या क्या हुआ और उसके बाद जो जितने दिन है क्या क्या होगा। ओम शक्ति। आज प्रथम दिन सबसे पहले मंगल कलश यात्रा निकली, भव्य कलश यात्रा जो लक्ष्मी नारायण गोस्वामी मंदिर से चलकर राम मंदिर प्रांगण तक आई। इसके बाद में सबसे पहले गौ पूजन किया गया, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति है, इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले सनातन धर्म के हिसाब से गौ पूजन, फिर उसके बाद कन्या पूजन। गौ पूजन के बाद कन्या पूजन करने के बाद में अग्नि मंथन किया गया यज्ञशाला में। क्या क्या तैयारी थोड़ा दिखाइएगा, क्या कैसे कैसे हो रहा है। ये क्या कुंड है, ये यज्ञशाला बनी है। हाँ। ये 3000 स्क्वायर फीट की यज्ञशाला है जिसके अंदर में
70 वैदिक विद्वानों के द्वारा जो है यज्ञ कराया जाएगा, जिसमें 9 कुंड बने हैं जो अलग अलग ग्रह और राशि के हिसाब से अलग अलग कुंड बने हैं, जिसमें 37 यजमान 37 जोड़े प्रतिदिन यज्ञ में हवन करेंगे। और इसमें यज्ञ में प्रदक्षिणा करने का, फेरी लगाने का भी विशेष महत्व है। इसमें लाखों लोग इसमें फेरी लगाएंगे। और सामने में माता जी का एक दरबार है, जहाँ पर बनारस से काली प्रसाद जी शर्मा के द्वारा 40 विद्वान पंडित जी भारतवर्ष से आए हुए, वे माता का पाठ करेंगे। और आगे कथा मंडप के अंदर में हमारे परम पूज्य श्री विजय गुरु जी जो चेन्नई से आए हैं, उनके मुखारविंद से श्रीमद देवी भागवत कथा का जो हम लोग को श्रवण कराएंगे। जमशेदपुर वासियों, झारखंड वासियों और पूरा समस्त जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं उनसे? महायज्ञ में, इस महायज्ञ में लोग आए, अधिक से अधिक यज्ञ में फेरी लगाए, पाठ सुने और माता के गुरु जी के मुखारविंद से कथा सुने और माता का स्वागत करें। और इसके साथ ये संदेश है कि जो हमारी बीच में जो 28 तारीख से 5 जनवरी 31st जो आ रहा है, जो वेस्टर्न कल्चर है, इससे हम अपनी युवा संस्कृति को अलग करते हुए सनातन संस्कृति की ओर ले जाते हुए माता की चौकी, हमारा मन में एक भाव था न होटल जाएंगे न डिस्को जाएंगे, नया साल हम मैया तेरे साथ मनाएंगे, इसी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हमने माता की चौकी का भव्य आयोजन किया है, जिसमें जयपुर की सुप्रसिद्ध भजन गायिका उमा लहरी अपने भजनों की प्रस्तुति करेगी। के इस टाटा नगर, ये टाटा नगर या लो नगरी नहीं कहा जाता, ये शक्ति नगरी है। यहाँ भगवती ने अपने सहस्त्र भुजाओं को इतने बढ़िया से सहस्त्र भुजा धारण करके सहस्त्र हाथों से सभी यहाँ जमशेदपुर वासियों को आशीर्वाद देने के लिए अपने दिव्य स्वरूप में भगवती भुवनेश्वरी आई है और सभी की मनोकामना पूर्ण करेगी, इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। और जो भी हर दिन मंगलमय होगा, 2023 बोल के नहीं, मैं बोला आज से हर पल हर दिन मंगलमय होगा, ये भगवती का दावा है। जो भगत पुकारा है भगवती के दरबार गया है, उसको हर पल भगवती ने गले लगाया और सबकी मनोकामना पूर्ण की। ओम शक्ति श्री माते। जमशेदपुर में चूंकि से हम लॉ नगरी करते हैं, लेकिन हम यह सार्थक कर सकते हैं कि लॉ नगरी नहीं, आध्यात्मिक नगरी और धर्म की नगरी जमशेदपुर सिद्ध हो रही है। परम गुरुजी सदैव विजय जी महाराज के साधिन में 28 दिसंबर से भव्य ऐतिहासिक और अलौकिक माँ देवी का सचंडी महायज्ञ का आयोजन इस राम मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। इस यज्ञ के माध्यम से हम लोग संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के साथ साथ जो कोरोना का संकट पूरे देश में और जमशेदपुर में फिर से दिखने लगा है, हम माँ से कामना करते हैं कि अद्भुत यज्ञ के माध्यम से आने वाला संकट भी हम लोगों से टले। और साथ ही साथ यह 5 जनवरी तक कार्यक्रम को संपन्न होना है, 31 तारीख को 31 दिसंबर को नए साल और पुराने साल के आगमन के आलोक में अपनी भारतीय संस्कृति, अपने युवाओं को अपने संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यज्ञ कमेटी ने किया है। तो मैं आपके माध्यम से जमशेदपुर के सभी धर्म प्रेमी लोग, सनातन प्रेमी लोग और अपने युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि इस अद्भुत अलौकिक दिव्य भव्य माँ सचंडी यज्ञ में आप शामिल हों और अपने परिवार के साथ साथ मानव समाज के कल्याण में भागीदार बने। और विशेष रूप से 31st के नाइट, जो हमारा कल्चर नहीं है कि होटल बार में जाकर हम नया साल को सेलिब्रेट करें, तो उसके लिए हम लोगों ने 31st को विशेष व्यवस्था किया है कि हजारों की संख्या में लोग आएँ और अपनी सनातन धर्म के आलोक में नया साल को हम लोग सेलिब्रेट करें, पुराने साल को विदाई दे और नए साल को सेलिब्रेट करें। कितना कुंड बना है हवन के लिए? इसमें कुल 9 कुंड है और 16 स्तंभ है। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक एक कुंड का हमारे सनातन धर्म में उसका अलग अलग महत्व है। 16 जो यज्ञशाला में स्तंभ हैं, सभी भगवान और हमारे देवी देवताओं के नाम पर स्तंभों का निर्माण किया गया है। लगभग 5,500 बड़ा वर्ग फीट का यज्ञशाला, मुझे लगता है कि आप खुद देख रहे हैं कि लोग, जमशेदपुर की जनता भी देख रही है कि कितना व्यापक पैमाने पर
श्री ओम विद्या शक्ति सर्वसम परिवार चेन्नई की ओर से जमशेदपुर की लौ नगरी, आध्यात्मिक नगरी, धर्म नगरी में एक बहुत बड़ा परिमाण में धार्मिक समागम का आयोजन हुआ है। और धीरे धीरे 26-28 तारीख को दिव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा का भी आयोजन हुआ। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।